Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम इसका सबसे पहले वाला पॉइंट सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली तीन मेथड्स लगाए। तीन मेथड्स क्या हैं? नंबर वन, व्हेन द न्यू पार्टनर इज चार्जिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। मतलब जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 5:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नया पार्टनर सी आया बच्चा, एंड ही इज सेइंग मुझे 1/5 शेयर चाहिए, या ये डिसाइड हुआ कि हम सी को 1/5 शेयर देंगे। बस इट्स गिवन दैट सी को 1/5 मिलेगा। अब ये 1/5 देगा कौन या कितना कितना, वो सबकी कैलकुलेशन हम लोग आपको सिखा रहे हैं। दिस इज केस नंबर वन, व्हेन द न्यू पार्टनर इज आस्किंग या चार्जिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। ऐसे केस में हम लोग फ्रैक्शन बना लेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, सी शेयर इज 1/5, बैलेंस इज 1 - 1/5, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, 1 - 1/5 = 4/5। अब इससे ए का न्यू शेयर क्या बचेगा, जरा देखो ध्यान से, ए का ओल्ड शेयर था 5/8, बी का ओल्ड शेयर था 3/8, ए को 5/8 देना है बच्चों हमने 4/5 का, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 1 में से सी को 1/5 हम दे चुके हैं, तो बैलेंस हमारे पास 4/5 बचा है। इस 4/5 का 5/8 ए का शेयर और 3/8 बी का शेयर, ये मिसप्रिंटिंग है, 3/8 बी का शेयर, सो ए का शेयर न्यू शेयर विल बी 4/8 और बी का न्यू शेयर विल बी 12/40। ये हमारे ए का बी का और सी का न्यू शेयर आ गया। ए का शेयर लिखा हमने 4/8, बी का शेयर आया 12/40 और सी का शेयर तो 1/5 क्वेश्चन में ही गिवन है। एलसीएम लिया बच्चों हमने 40, तो 20:12:8 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा 5:3। बहुत सिंपल सा केस था, टोटल प्रॉफिट को हमने 1 अज्यूम किया, उसमें से 1/5 सी का शेयर दे दिया, बैलेंस बचा 4/5। अब ये 4/5 को मैं ए और बी में बांट रहा हूं, ए का शेयर 5/8 ऑफ 4/5, बी का शेयर 3/8 ऑफ 4/5, तो न्यू शेयर आ गया ए का 4/8, बी का 12/40, सो ए का शेयर 4/8, बी का 12/40, सी का 1/5, जैसे एलसीएम लिया हमारे पास 5:3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, जो अब तक क्वेश्चन में ए और बी की रेशियो नजर आ रही थी, सिर्फ ए और बी की और सी अलग से नजर आ रहा था, अब वो इकट्ठा हो गया 5:3:2। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन है, जब नया पार्टनर सिंपल आस्किंग फॉर मुझे इतना शेयर चाहिए, या पुराने पार्टनर्स कह रहे हैं आपको इतना शेयर मिलेगा, और फिर ये कैलकुलेशन करना कि ये शेयर देगा कौन। ओके, तो ये फर्स्ट केस है। अब इसमें बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके,